हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 18 अप्रैल 2023 वार मंगलवार, सबसे पहले चर्चा करेंगे विदेशी बाजारों की। और बड़ी खबर की यूक्रेन के हवाले से खबर आई है कि जो काला सागर का अनाज सौदा है वो फिर से रुक सकता है, प्रभावित है। वहां पर किसी भी प्रकार के अब नई ट्रेड डील और नए सौदे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बलबूते पर सोया ऑयल में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं देर रात बड़ी खबर अमेरिका से भी आई थी, जहां क्रेशिंग सोयाबीन की 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, यानी कि डिमांड है सोया तेल की, जिसके चलते क्रेशिंग में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है अमेरिका में। पॉजिटिव खबर काला सागर और ये खबर। अब दूसरी ओर रुख करेंगे बाजारों की, तो KLC 3789 पर बंद होती हुई नजर आई। वही सीबोट 53-30, 53-40 के ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अब रुख करें भारतीय बाजारों के, तो सरसों की आवक 12.5 लाख बैग की रही, कल के मुकाबले 75,000 बैग कम आए। वहीं भाव 50 रुपए से 60 रुपए और कहीं कहीं 100 रुपए तक की तेजी देखने को मिली। सीड में कम तेजी थी बनस्पत तेल की। तेल जो 101-102 रुपए तक के भी सौदे लगते हुए नजर आ रहे थे, आज वो तेल 105 और 106 रुपए के ऊपर सभी स्टेशनों के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया, जो एक प्राइस में एक अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। कभी दादरी, कभी गंगानगर, कभी आपका मुरैना, ये जो तेल में जो लगातार एक वादा कर रहे थे, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तेल में स्टेबिलिटी मणि है और 105 रुपए के ऊपर आके स्टेबल हुआ है। सरसों खड़ में स्टेबिलिटी देखने को मिली। अब बाजारों का रुख की चर्चा कर लेते हैं। भरतपुर 5170, जयपुर 5550, दादरी 5380, भिवानी 5200, रेवाड़ी 5100 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। खैरतड़ मंडी 5200, अलवर 5250, 5275, बड़ौदा में 5275, खेरली 5275। वहीं बात करें टोंक मंडी 5300 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। निवई मंडी 5270 रुपए, मालपुरा 5250 रुपए के भाव रहे हैं। नागौर मंडी 5150 रुपए, 42 कंडीशन लैब के भाव रहे हैं। वहीं श्रीगंगानगर मंडी 5115 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। डूंगरपुर मंडी 4600 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। भिंड 4935, अशोकनगर की बात करें तो 4900 रुपए, अलीगढ़ 4700, झांसी 4800 रुपए तक बिकती हुई आज नजर आई है। तो ये एक पॉजिटिविटी रही है। जगनेर मंडी 5550 रुपए के ऊपर आज ट्रेड किया है। वही प्लांटों के भाव की बात करें तो बीपी 5650 रुपए, बीपी 5650 रुपए, गोयल कोटा 5450 रुपए। वही बात करें सलोनी कोटा 5275 और आगरा वाले 6000 रुपए के भाव रहते हुए नजर आए हैं। तो आज बाजारों में तेजी रही, अंतरराष्ट्रीय मार्केट का माहौल भारतीय तिलन के बाजारों में आया। कल के वीडियो में बताया था, इसमें जो ट्रेडिंग का जो आइडिया है मेनली ये टाइम के आधार पर है, कोई बड़ी तेजी आप एक्सपेक्ट करके न चले। हमने आपको बताया था सुधार होएगा, 200-300 रुपए का सुधार होएगा, क्योंकि बाजार में नए सीजन की बात करें, 2-3 साल पुराने सीजन की नहीं, नए सीजन की बात करें तो बाजार में अभी भी स्टेबिलिटी के साथ ही कामकाज हो रहा है। जयपुर मंडी 5650 की रेंज में ही घूम रही है, 200-250 रुपए ऊपर और नीचे के रेंज में, जबकि अधिक टाइम ऊपर की रेंज में बिताया है तो फिर से बाजार चल के 5650-5700 की ओर इस बाजार को लेके जाना चाहिए। तो बाजार में पॉजिटिविटी के साथ काम होना चाहिए और बड़ा भी उछाल आ सकता है, जिस हिसाब की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में न्यूज फ्लो की एक्सपेक्टेशन है, उनकी उन संभावनाओं को चलते हुए बाकी 25 से 26 या मैक्सिमम 27 तारीख तक इस वाले ट्रेड में हमारे हिसाब से मना रहना चाहिए टाइम थ्योरी के हिसाब से। बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस 5500 रुपए का लगा के जयपुर में कामकाज करना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।